हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल लेटेस्ट कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है माय डेमोन। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हमारी हीरोइन भागते हुए जा रही थी किसी से डरकर, और पीछे ही हमारा हीरो आता है जहाँ पर हीरोइन कह रही थी कि हमारे सामने दो तरीके के लोग रहते हैं, एक वो जो हमारा अच्छा चाहते हैं और एक दूसरे जो कि हमारा अच्छा नहीं चाहते। लेकिन हम उन दोनों को पहचानेंगे कैसे कि कौन हमें हानि पहुँचाना चाहता है और कौन हमारे लिए सही है। ये सीन यहीं कट होता है और हमें 200 साल पीछे ले जाया जाता है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो भगवान से प्रे कर रहे थे कि उन्हें डेविल से बचा लो। तभी एक काले कपड़ों में आदमी अंदर आ जाता है जिसके आते सार ही वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी, और वो एक पानी में हाथ डालता है और हम देखते हैं कि उस पानी में से अचानक से रोज के पेटल्स निकल जाते हैं और एक रोज में बदल गया था। तभी वहाँ के लोग समझ जाते हैं कि वो एक डेविल है क्योंकि उनके आसपास खून के निशान दिखने लगे थे, और वहीं पर खड़ा हुआ पुजारी भी सबको चिल्लाते हुए कहता है ये डेविल है। फिर वो सभी चुप जाते हैं और हमें उस डेविल का हाथ दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक क्रॉस मार्क लगा हुआ था और साथ में उसने गुलाब का फूल भी पकड़ा हुआ था। कुछ दूर जाकर वो एक बुक के ऊपर अपना उस गुलाब का फूल को रखता है और अपना फेस भी रिवील करता है, और यही है हमारे ड्रामा का मेन लीड जंग गुवान, जिसका हम गुवान कहने वाले हैं। इतना करने के बाद वापस जाने लगा ही था कि पीछे से एक छोटी सी बच्ची उसके फेस पर क्रॉस मार्क दे मारती है जिसके कारण उसकी गाल से खून निकलने लगा था। तब जब डेविल उसकी तरफ देखता है तो पीछे से भी पुजारी आकर उस लड़की को सेव करने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन डेविल उसके पास जाकर उसे सिर्फ क्रॉस मार्क देता है और कुछ भी नहीं कहता। और जैसे ही वो बाहर को जाने लगा था वहाँ पर हमें कुछ आग दिखाई जाती है। फायर दिखने के बाद अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि गुवान के तो कपड़े बदल चुके थे और वो खुद से ही बात करते हुए कहता है कि इंसान सिर्फ 3 चीजों से डरता है, पहला खुद के अंदर के शैतान से, दूसरा जो उसके आसपास रहते हैं और वो उन्हें बाहर से खा रहे हैं उनसे, एंड लास्ट वन जो कि सबसे खतरनाक है वो है इविल स्पिरिट्स। तभी वो एक आदमी के पास जाकर उससे पूछ रहा था कि तुम तो काफी भूखे लग रहे हो, तुम मेरे यहाँ पर मजाक बनाने के लिए आए हो। दरअसल वो आदमी ना कोई फिश पकड़ पा रहा था और ना ही खाना खा पा रहा था। तभी डेमोन बोलता है कि क्या तुम खाना खाना चाहते हो, और अभी बहुत सारा, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो अपनी फिंगर्स को फ्लिप करता है और वहाँ पर अचानक से काफी सारी फिशेस दिख रही थी जिसे देख कर वो आदमी तो खुशी हो जाता है और कूद कर खड़ा होकर बोलता है कि क्या तुम गोब्लिन हो। तो गुवन बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी छोटी स्पिरिट से कंपेयर करने की। तो बोलता है क्या तुम 98 फोक्स हो, कहता है कि नहीं, उनमें से काफी बदबू आती है। साथ में बोल रहा था कि आखिर तुम हो कौन, मुझे बताओ तो सही। तो अपनी आइडेंटिटी बताता है कि मैं डेमोन हूँ जिसे तुम इंसानी लोग अपनी भाषा में इविल स्पिरिट कहते हो। ये देखकर वो आदमी कह रहा था कि मेरे दिन में सपने आ रहे हैं, मैं भला ऐसे कैसे देख सकता हूँ। वापस बैठकर फिश पकड़ने की कोशिश करता है कि एक बड़ी सी फिश उसके पास कूदते हुए आ जाती है जिसे देखकर उसे यकीन हो गया था कि ये सब वहम नहीं है, ये तो रियलिटी है। ये देखकर गुवन भी हंस रहा था और फिर बोलता है सीरियस होकर कि ये सब तुम्हें ऐसे फ्री में नहीं मिलने वाला, इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तो आदमी बोल रहा था कि कैसे कीमत। तो गुवन उसे बताता है कि तुम्हें मेरे साथ एक डील साइन करनी होगी जिसमें कि तुम्हें 10 साल तक ऐसे ही खाना मिलेगा और तुम भूखे नहीं मरोगे। लेकिन तो आदमी पूछ रहा था कि लेकिन, तो कहता है कि लेकिन 10 साल के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो आदमी पूछ रहा था कि कहाँ पर, तो गुवन बताता है कि वही जगह जिसे कि तुम हेल्प बोलते हो। तो आदमी पहले तो घबराता है, फिर बोल रहा था कि अभी भी ये जगह मेरे लिए जुनून से कम नहीं है, मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है। गुवन ने अपने उस पेपर पर उससे साइन लगवा लिया था यानी कि इसके थंब प्रूफ के लिए, और कह रहा था कि ठीक है मैं तुमसे 10 साल बाद मिलूंगा। जैसे ही गुवन वहाँ से जाने लगता है पीछे से बात में अपने काम पर लग गया था, जैसे कि वो काफी सारी फिशेस पकड़ने लग जाता है और उसे देखकर काफी खुश होता है और कह रहा था कि थैंक्स बुद्धा आपने मेरी हेल्प करी। तो गुवन ज्यादा टाइम कहता है कि तुम्हें उनकी जगह मुझे थैंक्स करना चाहिए। इतने में वो कॉन्ट्रैक्ट को जला देता है और यहीं से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पे जहाँ पर अब 2023 का सीन दिखाया जा रहा था कि बेस्ट सीईओ अनाउंस होने वाला था। तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन की भी एंट्री हो जाती है जिसका नाम है दोही। दोही एक जगह पर जाकर खड़ी हुई ही थी जिसके पास एक आदमी आकर उसे वेटर समझ लेता है और कह रहा था कि तुम मुझे एक ड्रिंक सर्व तो करना, लेकिन जैसे ही वो दोही को देखता है तो खुश हो जाता है कि तुम तो काफी दिखने में सुंदर हो, तुम मेरा कार्ड ले लो, अगर तुम्हें कोई भी काम होगा तो तुम मुझे कॉल लगा सकती हो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ब्यूटी को यहाँ पर वेस्ट करो। फिर दोही उसको रिप्लाई में कहती है कि तुम्हारा ये कार्ड मैं अपनी सेक्रेटरी को दे दूंगी क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इतनी टेंशन लोगे और तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। ये बात उसको काफी अजीब लगती है और दोही अब यहाँ से जैकेट उतार कर स्टेज की तरफ जा रही थी क्योंकि इस साल की बेस्ट सीईओ और कोई नहीं दोही ही थी। फिर जो आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ था उसके पास एक और आदमी आता है और कह रहा था कि तू तो काफी लकी है यार, मुझे मेरा एक ग्रुप ऑफ प्रिंसेस से मिलने का मौका मिला। तो बोलता है कि प्रिंसेस, तो कह रहा था कि हाँ उसे तो इंस्टाग्राम सेंसेशन माना जाता है। यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है दोही की कंपनी को लगातार 2 साल से ये अवार्ड मिल रहा था क्योंकि उसकी कंपनी हाईएस्ट रैंक कर रही थी। उसकी कंपनी का नाम है मिराई F&B। अगले सीन में भी हम दोही को ही देखते हैं जो अपने एक प्रोडक्ट को लेकर एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें कि उसके प्रोडक्ट के बारे में गलत चीज लिखी थी। उसे देखकर वो अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि ये किसका काम है, तो वो कह रही थी कि मैं इसके तह तक जाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर वो बाहर की तरफ जाने ही वाले थे कि दोही बोलती है कि मुझे पहले ऑफिस में जाकर इस चीज को सही करना होगा, लेकिन उसकी सेक्रेटरी बोल रही थी कि आपको चेयरमैन की बात माननी ही होगी, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि उसके चेयरमैन की कॉल आ गई थी जिसका नाम है अलमाइटी चू, और उसे कह रही थी कि तुम डेट के लिए निकल गई हो। तो दोही बोलती है कि मुझे पहले काम पर जाना होगा।
तो जू भी अपने ट्रीटमेंट को रोकती है और कह रही थी कि अगर तुम्हें डेट पर नहीं जाना तो मैं भी ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें डेट नहीं पसंद और तुम भी जानती हो कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं पसंद, तो देख लो तुम क्या चाहती हो। तो तुम्हें मान जाती है कि ठीक है मैं डेट पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवा लेना। अब सेक्रेटरी भी कह रही थी कि आपको बस 30 मिनट ही तो बैठना है, आप एक क्यूट सी डॉल की तरह बिहेव करना। वहीं अगले सीन में हम गूगल को देखते हैं जो चेकअप पर आया हुआ था और वहाँ पर उसने काफी सारी वॉचेस लगाई हुई थी। दरअसल ये वॉच नहीं है, ये तो उन लोगों की टाइम लिमिट है। जैसे ही वो टाइम लिमिट खत्म होती है गूगल उनके पास जाकर उनकी लाइफ को उनसे छीन लेता है। तभी अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, लगता है उसी का नंबर है मरने का। वहीं उसके पास उसका आदमी आकर एक कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा था और कह रहा था कि हमें उस आदमी से बात करनी होगी क्योंकि वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर रहा है। तो आदमी बोलता है कि ठीक है मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, अपने आदमी को बाहर भेज देता है और अपने आप आराम फरमा रहा था। तभी उसका आदमी बाहर जाकर आराम से बैठ जाता है फैल कर और उसके बहुत सारे बॉडी गार्ड्स भी वहीं पर बैठे हुए थे। वही अंदर की तरफ फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर टाइम लैप काम नहीं कर रहा था और वो आदमी उसे बार बार छेड़ रहा था कि इसे क्या हो गया, क्या ये फिक्स हो गया है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो गुवन पहुँच जाता है जिसे देखकर उस आदमी की तो टाइम फिक्स हो गई थी। कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, क्या मेरा टाइम पूरा हो गया। गुवन उसे कॉन्टैक्ट दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। तो आदमी गुवन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, प्लीज इसे बढ़ा दो, मैं अभी नहीं मरना चाहता। अगर तुम चाहो तो मैं अपने बदले तुम्हें बहुत लोगों की जान दे सकता हूँ। तो गुवन कहता है कि मैं अपनी जॉब के लिए काफी फेयर हूँ, मैं इसमें बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं करने वाला, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। लेकिन वो आदमी तो अपनी पे आ गया था, वो तो गुवन पर हमला करता है, उसे काफी सारी चीजें पहनकर मारता है, लेकिन गुवन भी गुवन था। गुवन कहता है कि तुम इंसानों का यही काम है, मौत सामने देखकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो जबकि तुम जानते हो कि तुम मौत को नहीं टाल सकते। अब आदमी भागकर गुवन की तरफ जाता है, लेकिन गुवन तो एक तरह से ट्रांसपेरेंट सा हो गया था और वो आदमी गुवन के बीच से निकलकर दूर गिर जाता है। गिरने की बात सुनकर बाहर वाला आदमी भी शॉक्ड है कि अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही वो अंदर को देखते हैं वो अपने बॉस को नीचे गिरा हुआ पाते हैं और कह रहे थे कि बॉस तो काफी आराम फरमा रहे हैं। अंदर की तरफ दिखा जाता है जहाँ पर वो आदमी अभी भी गुवन से कह रहा था कि तुम मुझे मारकर ही मानोगे। गुवन कहता है कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होने वाली है और इतने में वो मर भी जाता है। गुवन का ये कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो चुका था, अब गुवन का काम तो खत्म हो गया था। वो अपने अड्डे पर आ जाता है जहाँ पर हमें उस आदमी की वॉच चलते हुए दिखाई नजर आ रही थी क्योंकि उस आदमी की टाइम लिमिट तब खत्म थी। वहीं दूसरी तरफ हम धोनी को देखते हैं जो अपनी ब्लाइंड डेट पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर उसे बताता है कि किसी ने पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया है। तो धोनी कुछ सही बोलती है कि अल्माइटी चू को बताने की क्या जरूरत थी कि आज मेरा बर्थडे है। फिर वो रेस्टोरेंट ऑनर से कहती है कि मैं उन्हीं की गेस्ट हूँ। तब ऑनर उस आदमी के पास उसे ले जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ और कोई नहीं, गुवन ही बैठा हुआ था। पहले तो धोनी की नजर गुवन पर नहीं जाती और वो कह रही थी कि मैं सिर्फ अपनी जॉब से प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी करूंगी, मैं तुम लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर गुवन पर जाती है उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था, उसकी बोलते तो बंद हो चुकी थी। और गुवन कहता है कि तुम चाहे अपने जॉब से प्यार करो, उससे शादी करो या अपने पिलो से प्यार करो, ये मेरी टेंशन नहीं है। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर धोनी को गुस्सा आता है, वो कहती है क्या तुम मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे या फिर मेरे एक्स थे। तो गुवन बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता। तो बोलती है कि फिर तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो बदतमीजी से मेरे साथ। वो उठकर जाने लगी थी कि तभी मैसेज आ जाता है चूका, जो पूछ रही थी कि सब कुछ सही है। अब वो उनकी बात नहीं टाल सकती थी इसीलिए 30 मिनट्स का टाइमर ऑन करके वो वापस बैठ जाती है, जिसे देखकर गुवन कह रहा था कि मैं यहाँ पर शांति से खाना खाने के लिए बैठा। तो वही बोलती है कि मैं बिल्कुल एक मिरर की तरह हूँ, जो मेरे साथ जैसी बात करेगा मैं रिफ्लेक्शन में सेम वही बात करूंगी, तुम मेरे साथ जैसे रूट बिहेव कर रहे हो मैं भी सेम कर रही हूं। एक आदमी पर शिफ्ट करते हैं जो दूसरे रेस्टोरेंट पर बैठा हुआ था और खाना ऑर्डर करता है। वो धोनी की प्रोफाइल भी चेक कर रहा था, यानी कि जिस आदमी के साथ धोनी डेट पर जाने वाली थी वो यही था। सीन वापस धोनी और गुवन पर शिफ्ट करते हैं, अब वो खाना खा रहे थे। धोनी गुवन को देखकर कहती है कि ये कितना चाइल्डिश है, खाना कैसे खा रहा है। तो गुवन उसे पूछ ही लेता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर करने के आई हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर खाना खाने के लिए आई हो। तो धोनी उसे अपना कार्ड देती है और उसका कार्ड मांग रही थी, तो गुवन भी अपना कार्ड उसे दे देता है। कार्ड देकर धोनी कह रही थी कि नाम तुम पर सूट नहीं कर रहा है और साथ में उसके फाउंडेशन का नाम पढ़ती है जो था सुन वर्ल्ड फाउंडेशन। कह रही थी कि इससे मुझे कुछ याद आ रहा है, तो वो बताता है कि तुमने इसके बारे में नहीं सुना, मेरी फाउंडेशन ट्रेडिशनल आर्टिस्ट्स को सपोर्ट करती है जैसे कि डांसर्स और सिंगर्स। तो धोनी बोलती है हंसते हुए कि ट्रेडिशनल, अरे बहुत हुआ, तुम नहीं जानते कि मेरी कंपनी किस चीज़ पर काम करती है। तो कहता है कि नहीं, तो धोनी बोल रही थी कि तुमने मेरे बारे में कुछ भी सर्च करने की कोशिश नहीं करी और तुम तेरे डेट पर आ गई। तो गुवन बोल रहा था कि डेट कैसी डेट, क्या गॉड ने तुम्हें मेरे लिए चुना है। तो धोनी हंसते हुए कहती है कि अल्माइटी जू को गॉड बता रहे हैं, बताओ। तो यहाँ पर वो पूछता है कि अल्माइटी जू ये कौन है, तो बता देती है कि यही तो है जो हमें मिलवाना चाह रही है। यहाँ पर गुवन सारी कहानी समझ चुका था और कहता है कि तुम पहले इंसान होगी जिसने कि मुझे इतना नर्वस कर दिया। तो धोनी बोलती है कि चलो हम दोनों में से किसी ने तो एंजॉय किया, फिलहाल मेरा टाइम खत्म हुआ और मैं अब और ज्यादा सिंड्रेला नहीं बन सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चलने लगी थी कि तब गुंडे के आदमी उसी सेम रेस्टोरेंट में पहुँच गए थे गुवन से मिलने के लिए और केक को धक्का दे देते हैं, जिसके कारण वो केक उठता हुआ धोनी के पास ही जा रहा था। धोनी तो घबरा जाती है, लेकिन तभी हमारा हीरो धोनी को अपनी तरफ खींचता है उसकी कमर से और केक को भी होल्ड कर लेता है। अब धोनी भी गुवन की तरफ देखने लग जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए काफी क्यूट लग रही थी। और लेकिन तभी धोनी गुवन को धक्का देकर यहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अब गुवन ने तो धोनी को इसलिए बचाया था ताकि वो अपने केक को भी बचा सके, क्योंकि वो उसका फेवरेट केक जो था। वहीं धोनी बाथरूम में जाकर ब्रश कर रही थी,
और खुद से कहती है कि मेरी खूबसूरती ने उसे अट्रैक्ट कर लिया। फिर चेक करती है कि उसके ड्रेस पर भी केक गिर गया है, उसे साफ करना होगा। वापस गुफन को दिखाया जाता है जो केक खाने के लिए बिल्कुल तैयार था। जैसे ही वो खाने लगता है उस गैंगस्टर के आदमी उसके पास आकर उसे छेड़ रहे थे। गुफन पहले तो उन्हें वार्न करता है लेकिन वो नहीं मानते, उन्होंने गुफन का पूरा केक खराब कर दिया था। ये देखकर गुफन को तो काफी गुस्सा आ जाता है। वहीं डोही अभी भी गुफन के ख्यालों में खो रखी थी और खुद से बात करते हुए कहती है कि भला मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ। वो लिपस्टिक भी लगा रही थी और उसने तो मन ही मन गुफन को किस करने का भी सोच लिया था। फिर खुद को होश में आती है कि ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। वहीं वापस हम गुफन को देखते हैं जो फाइट करने के लिए तैयार था और उस गैंगस्टर के आदमी गुफन की तरफ भागते हैं, लेकिन गुफन अपनी पावर की हेल्प से गैंगस्टर के आदमियों को अपनी अखबार में कैद कर रहा था। ये देखकर गैंगस्टर भी हैरान था। अब लास्ट में वो तीन जने बचते हैं। वो दो आदमी तो अपने बॉस को धक्का देकर उसके सामने कर रहे थे लेकिन वो भी डर रहा था उसके पास जाने के लिए। वो लोग गुफन से समझौते की बात करना चाह रहे थे लेकिन गुफन भी अब कहां मानने वाला था, उन्होंने गुफन का केक जो खराब कर दिया था। अब गुफन उस अखबार को ऊपर की तरफ उछालता है और उसकी फिंगर फ्लिप करते सारी वो सारे आदमी उस अखबार में कैद से हो गए थे। वहीं अब टोही भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है जो केक को देखकर काफी घबरा गई थी। ये क्या हो गया, तुमने मेरे बिना ही केक कट कर दिया, आज तुम्हारा बर्थडे था ना। तो गुफन बोलता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा बर्थडे हो या फिर ना हो। ये बात सुनकर टोही को गुस्सा आ जाता है और वो यहां से निकल गई थी। वहीं अब गुफन वॉशरूम में जाकर हाथ धोने लगता है और अखबार को वहीं पर फेंक देता है। फिंगर फ्लिप करते सारी वो सारे आदमी अखबार से बाहर निकल गए थे। और इसके बाद हमें वापस टोही दिखाई जाती है जो कार से अपनी कंपनी की तरफ जा रही थी। और वहीं हमें मिराई के बारे में बताया जाता है कि कैसे मिराई कंपनी के सीईओ यानी कि अल्माइटी चियो ने टोही को गोद दिया जब वो 11 साल की थी उसके पेरेंट्स की डेथ होने के बाद। अब वो उसको अपनी फैमिली की तरह मानती थी। और हमें दिखाया जाता है कि जब एक बार टोही का बर्थडे था तो वहाँ पर सारे उसके फैमिली मेंबर्स आ रहे थे एक एक करके। जैसे ही वो सभी वापस पहुँच जाते हैं तो फोटो क्लिक करने के लिए तैयार थे लेकिन अल्माइटी चियो मना करती है कि वो टोही के बिना फोटो क्लिक नहीं करने देगी। इतने में टोही भी भागकर वहाँ पर आ जाती है और वो सभी फोटो क्लिक करवाते हैं। अब सिंह प्रेजेंट में आता है और डोही के फोन में किसी की कॉल आ रही थी। जैसे ही वो कॉल पिक करती है आगे वाला आदमी उसे बोल रहा था कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से तुम कंपनी के चेयरमैन बन सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मिलकर बात करनी होगी। वहीं डोही कॉल काटती है और खुद से बात करते हुए कह रही थी कि मुझे फंसाने की नई चाल है। वहीं उसके फोन में अल्माइटी चियो का मैसेज भी आ रखा था कि अब हम हेवन में मिलेंगे। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और हॉस्पिटल भी पहुंची थी। अल्माइटी चियो को देखकर वो काफी इमोशनल हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे छोड़कर चली गई है और वो हाथ पकड़कर काफी तेज रोने लग जाती है। तभी अल्माइटी चियो उठ जाती है। अब ये देखकर डोही को तो गुस्सा आ जाता है कि ये भी कोई मजाक करने की चीज थी। वो गुस्से में यहाँ से जाने ही लगी थी कि पीछे से अल्माइटी चियो उसे बर्थडे विश करती है और साथ में केक भी लाई हुई थी और उसे कट करने के लिए भी कह रही थी। फिर उसकी डेट के बारे में उससे पूछती है तो डोही बता रही थी कि मेरी डेट तो बहुत ही गंदी गई, वो काफी ज्यादा रूड था। अल्माइटी चियो बोलती है कि तुम्हें कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा ना। फिर उसने उसको उस फोटो भी दिखाई थी उस लड़के की जिसे देखकर डोही का चेहरा देखने वाला था। वो दिखाती है कि क्या ये वो लड़का था जो मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर गया था, लेकिन मैं तो किसी और से मिलकर आ रही हूँ। तब ये डोही की सेक्रेटरी अंदर आकर बताती है कि हमें गलती से किसी ने गलत रेस्टोरेंट का नाम बता दिया। ये देखकर डोही तो काफी एम्बैरेस फील कर रही थी कि उसने ये क्या कर दिया। वही हम गुफन को देखते हैं जो एक पेंटिंग को देखकर काफी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कुछ डांसर्स को भी देख पा रहे थे। हॉल था वहाँ पर वो काफी अच्छा डांस कर रहे थे। गुफन भी आ जाता है, वहाँ पर उसका सेक्रेटरी बुक्यून भी बैठा हुआ था। बुक्यून गुफन से पूछता है कि आपका दिन कैसा रहा, तो वो कहता है कि मेरा दिन बेकार था, मैं अपनी डील साइन करने के बाद अपना फेवरेट केक भी नहीं खा पाया। तभी गुफन को यहाँ पर टोही की सेक्रेटरी की कॉल आ रही थी और वो कॉल पर उससे पूछने लगती है, लेकिन गुफन तो यहाँ पर काफी रूडली बिहेव कर रहा था और वो कॉल भी काट देते हैं, वो बात ही नहीं सुनता। टोही से कह रही थी कि तुम्हें उससे मिलकर ही बात करनी होगी, फिलहाल तुम केक कट करो। जैसे ही वो केक कट करती है वहाँ पर अल्माइटी चियो उसके लिए दो रिंग्स लाई हुई थी और कह रही थी केक तो तुम्हारे लिए है और एक तुम्हारे सोलमेट के लिए। वहीं फिर हमें गुफन को दिखाया जाता है जो अपने सेक्रेटरी यानी कि बुकिंग से बात कर रहा था। तो बुकिंग पूछता है कि फिर आप आज गए कहाँ थे, तो बता देता है कि मैं तो डेट पर था। ये बात पीछे खड़ी हुई लड़की सुन लेती है और कहने लगती है कि क्या तुम किसके साथ डेट पर गए थे। उस लड़की का नाम गायोन है और दरअसल ये बात इसलिए कह रही थी क्योंकि वो गुफन को काफी पसंद जो करती है। हमें फिर से वही आदमी दिखाया जाता है जो कि अभी टोही से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था फोन पर। उस आदमी के पास एक और आदमी आया था जिसके गले पर अजीब सा निशान था खून का और वो उस आदमी को जान से मार देता है। फिर से गुफन को देखते हैं जो अपनी पावर की हेल्प से एक बर्ड को पेंटिंग से बाहर निकाल लेता है और उसके साथ खेल रहा था और साथ के साथ साइन भी कर रहा था। वहीं पर फिर बुक्यून आ जाता है जिससे बातचीत कर ही रहा था कि पीछे से गायोन भी पहुंच गई थी उसके कैबिन में और गुस्से में पूछती है कि तुम किस लड़की के साथ डेट पर गए थे। अब गुफन तो यहाँ पर उसका कोई जवाब नहीं देता लेकिन बुक्यून उससे बहसने लग जाता है। उन दोनों की बहसबाजी देखकर गुफन परेशान हो गया था और वो कैबिन से बाहर चला जाता है। वहीं सीन शिफ्ट करते हैं डोही की तरफ। डोही एक बीच पर आई हुई थी और वहाँ पर अपने पास्ट के सीन को याद करने लगती है कि कैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ उसी बीच पर आया करती थी और काफी एंजॉय भी किया करती थी। उसी बीच पर बैठकर वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है और ऐसे ही रात भी हो गई थी। रात को हम गुफन को देखते हैं जो अपने डेमन रूप में आ चुका था और अपने आप से बात करने लग जाता है। वहीं सीन शिफ्ट करते हैं डोही पर। डोही दिन से उसी बीच पर थी और अब रात भी हो चुकी थी। उसने दरअसल वहाँ पर काफी ड्रिंक कर ली थी और उसे उठा भी नहीं जा रहा था। तभी टैक्सी ड्राइवर वहाँ पर आकर उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है, तो डोही भी अब टैक्सी में बैठ जाती है लेकिन अपने फोन में जैसे ही वो चेक करने लगती है कि टैक्सी ड्राइवर तो उसके पास आया ही नहीं, यानी कि टैक्सी तो उसके पास थी ही नहीं, तो अब वो किसके साथ जा रही है।
और हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो गाड़ी चला रहा था। उसके गले में सेम वैसा ही निशान था जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी के गले पर हमने देखा था। अब जिस रोड से वो जा रहे थे वहाँ पर एक व्हाइट कलर की टैक्सी ऑलरेडी मौजूद थी। जैसे ही हमें उस टैक्सी के अंदर का नजारा दिखाया जाता है तो हमें पता लगता है कि उस टैक्सी का ड्राइवर तो मर चुका था और ये वो टैक्सी है जो धोही को ले जाने के लिए आ रही थी। वही हम धोही को वापस टैक्सी में देखते हैं जो उस ड्राइवर से पूछ रही थी कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है। अब आदमी भी समझ गया था कि धोही को उसके बारे में पता लग गया है, इसलिए अब वो धोही को बेहोश करने की ट्राई करता है। अब धोही भी ऐसी एक्टिंग कर रही थी जैसे कि वो बेहोश हो गई, लेकिन वो बेहोश नहीं थी। वो तो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, सीम वापस से गुवन पर शिफ्ट करते हैं। गुवन अपने नेक्स्ट शिकार के लिए तैयार था और कह रहा था कि मुझे इस बार कोई ऐसा चाहिए जो काफी अकेला हो और डील साइन करने से पहले बिल्कुल भी हेजिटेट ना करे। और उसे एकदम से भनक सी लगती है कि मुझे शायद वो शिकार मिल चुका है। और अगले ही सीन में हम गुवन को धोही के बिल्कुल सामने देखते हैं और यह वही सीन था जो हमने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भी देखा था। धोही यहाँ पर उसे देख कर बोल रही थी कि अब मैं किस पर विश्वास करूँ, कौन मेरे लिए सही है और कौन गलत। हमारी दुनिया में दो तरीके के लोग रहते हैं। लेकिन धोही ने यहाँ पर विश्वास किया था गुवन पर और वो गुवन के पीछे जाकर छुप जाती है। गुवन तो उसे कह रहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ एक चीज पर करूंगा, तुम्हें मेरे साथ डील साइन करनी होगी। यहाँ पर धोही चिल्लाते हुए कहती है कि ये कोई डील करने का टाइम है, लेकिन वो पहले ही काफी घबराई हुई थी इसलिए बिना सोचे समझे उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेती है और कह रही थी कि हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल मेरी मदद करो। अब गुवन भी मान जाता है और धोही को अपने पीछे खड़ा कर लेता है। अब गुवन उस आदमी से लड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि धोही मौका देखकर गाड़ी की तरफ भागने लगती है। वो गाड़ी में बैठ गई थी और गाड़ी को घोड़ा चलाकर भाग ही रही थी कि पीछे से गुवन उस आदमी को छाल कर उस गाड़ी के शीशे के आगे फेंक देता है। ये देखकर धोही तो और भी ज्यादा घबरा जाती है और पीछे जाकर छुप गई थी। अब गुवन उसके पास गया था, उसके तरफ हाथ बढ़ाता है और धोही ने भी उसका हाथ पकड़ लिया था बिना डरे। तभी वो आदमी हम देखते हैं कि गाड़ी चलाकर उन्हें के पास आ रहा था उन्हें मारने के लिए। अब गुवन अपनी फिंगर्स को फ्लिप करता है लेकिन देखता है कि उसका मैजिक तब काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर उसका हाथ छूटता है और धोही समुद्र में गिरने लगती है। अब धोही को बचाने के लिए गुवन भी उसे पकड़ कर नीचे गिर जाता है। वो दोनों ही समुद्र में गिर गए थे। गुवन यहाँ पर बेहोश हो जाता है और धोही को तो स्विमिंग आती थी। वो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की तरफ आने लगती है लेकिन नोटिस करती है कि गुवन बेहोश है। उसे बचाने के लिए उसके पास चाहिए। जैसे ही गुवन का हाथ पकड़ा हम देखते हैं यहाँ पर गुवन के हाथ पर वो बना हुआ क्रॉस मार्क धोही के हाथ पर आ जाता है। यहीं पर सीन कट हो जाता है। हमें सुबह का सीन दिखाया गया है जहाँ पर धोही और गुवन अब एक किनारे पर आ जाते हैं और गुवन तो अपने हाथ को भी देख रहा था कि वो क्रॉस मार्क आखिरकार गया कहाँ। धोही भी खड़ी हो जाती है और गुवन की नजर उसके हाथ पर गई थी और देखते हैं कि क्रॉस मार्क इसके हाथ पर कैसे आ गया। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे।